छत्तीसगढ़ की पुलिस ने गबन के मामले का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के वाड्रफन नगर के ग्राम पंचायत बलंगी में शौचालय निर्माण और अन्य निर्माण कार्य में 63,56,650 रुपए के गबन का मामला सामने आया था। मामले में जिला पंचायत सीईओ ने जांच के पश्चात वाड्रफनगर जनपद पंचायत सीईओ को मौजूदा सरपंच और सचिव पर अपराध दर्ज कराने का आदेश दिया था, पर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। पर अब आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। मामला वाड्रफनगर विकास खंड ग्राम पंचायत बलंगी का है, जहां शौचालय निर्माण व अन्य निर्माण कार्य हेतु आवंटित राशि में हेरफेर कर 63,56,650 रुपए का गबन किया गया था और आरोप तत्कालीन सीईओ सीमा जायसवाल और सरपंच मीना पंडो पर लगा था। जिला पंचायत सीईओ द्वारा अपराध दर्ज कराने के आदेश के बाद से दोनों फरार थे। मामले की गंभीरता देखते हुए बलरामपुर एसपी रामकृष्ण साहू एवं एसएसपी प्रशांत कतलम के निर्देश में खोजबीन शुरू हो चुकी थी, तभी मुखबिर ने बताया कि आरोपी बागसेवनिया भोपाल में है। पुलिस ने उन्हें वहीं से गिरफ्तार कर लिया। बलरामपुर से संवाददाता अजय कुशवाहा की रिपोर्ट। ये बलंगी चौकी रघुनाथ नगर थाना के अंतर्गत जुलाई माह में 17 जुलाई को एफआईआर हुआ था कि शौचालय निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों में शासकीय पैसे का फर्जी तरीके से आहरित करके गबन किया गया है, जिसमें त्रिस्तरीय जांच कमेटी बैठी थी और जनपद पंचायत वाड्रफनगर से जांच करवाने के बाद इसमें एफआईआर कराया गया था, जिसमें प्रार्थी जनपद पंचायत के सीईओ पांडे जी थे। इसके बाद से इसमें विवेचना की जा रही थी और घटना दिनांक के बाद से ही आरोपी फरार चल रहे थे, जिनकी पता तलाश पुलिस हर संभावित ठिकाने पर कर रही थी और सूचना के आधार पर इन्हें भोपाल बागसेवनिया थाने के अंतर्गत क्षेत्र से इन्हें गिरफ्तार करके लाया गया है और इसके बाद इनको रिमांड भेजा जा रहा है। इसमें एक आरोपी जो सरपंच है बीना पंच में वर्तमान सचिव सीमा जायसवाल और उसके पति पवन जायसवाल, ये दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।